उठाकर लोकतंत्र का दायित्व मतदान दल हुए कर्म स्थलों के लिए रवाना। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी बोले, निर्वाचन आयोग के नुमाइंदे बनकर निष्पक्ष और कुशलता पूर्वक कराए मतदान। महिलाएं एवं दिव्यांग भी निभाएंगे मतदान कार्मिक के रूप में भूमिका। लोकतंत्र के महायज्ञ में प्रत्येक कार्मिक पूर्ण निष्ठा और पारदर्शिता के साथ कर्तव्य की आहुति दे। ये बात धौलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मतदान दलों की रवानगी से पूर्व हुए तृतीय एवं अंतिम प्रशिक्षण में मतदान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर में कही। उन्होंने कहा कि मतदान दल के सभी कार्मिक आत्मविश्वास और कुशलता के साथ कार्य करते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कर उनके लिए टीम भावना से निर्वाचन आयोग के नुमाइंदे बनकर कार्य करें। लोकसभा आम चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने, निर्वाचन आयोग की मंशा अनुरूप संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से तृतीय प्रशिक्षण देकर पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान केंद्र पर पहुंचते ही सभी मतदान दल अधिकारी अपनी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर ले तथा 100 मीटर 200 मीटर की परिधि सीमा का निर्धारण, निर्धारित समय पर मॉक पोल मतदान की समय सीमा में मतदान कराना, मतदाता को सूचित करने के लिए लगाई जाने वाली प्रचार प्रसार सामग्री सुनिश्चित करने के साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान दल के बीच समन्वय हेतु महत्वपूर्ण संपर्क नंबर की सुनिश्चितता करते हुए पूर्ण आपसी समन्वय के साथ चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या आने पर संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं आवश्यकता पड़ने पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी को अवगत करवाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न स्तरों पर पूर्ण प्रबंधन किए गए हैं, फिर भी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल उच्च अधिकारियों से संपर्क करें। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भयमुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है। इसके लिए सभी मतदान दलों को पूर्ण प्रशिक्षण दिया गया है, जिसे अब धरातल पर मुस्तैदी के साथ क्रियान्वित करना है, जिसकी जिम्मेदारी आप सभी की है और प्रशासन आपके साथ है। इस मौके पर एसपी सुमित मेहराड़ा ने कहा कि सुरक्षा दृष्टिकोण से जिले भर में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले भर में 932 पोलिंग पार्टियां मतदान कराएंगी। बसेड़ी राजाखेड़ा के लिए सुबह 8:30 बजे से एवं बाड़ी व धौलपुर विधानसभा के लिए सुबह 10:30 बजे से पोलिंग पार्टियां तृतीय प्रशिक्षण देकर रवाना की गई। पोलिंग पार्टियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए। पोलिंग पार्टियों को विधानसभा वार पोलिंग बूथ तक पहुँचाने के लिए अलग अलग वाहनों की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाई गयी। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने बताया कि महिला एवं दिव्यांग मतदान कार्मिकों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। महिला मतदान कार्मिकों के लिए विशेष वाहन सहित चुनाव सामग्री के संग्रहण के लिए महिला एवं दिव्यांग कार्मिकों के लिए विशेष काउंटर आदि का इंतजाम किया गया है। मतदान दलों के रवानगी स्थल पर महिला मतदान कार्मिकों में भारी उत्साह दिखाई दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने महिला मतदान कर्मियों का उत्साह बढ़ाया और शुभकामनाएं प्रेषित कर रवाना किया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मलाल जाट, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर, एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग अधिकारी आदि मौजूद रहे। मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए मतदान दिवस 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। विभिन्न निगमों, उद्यमों, औद्योगिक संगठनों के श्रमिकों को भी मताधिकार के प्रयोग के लिए सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से जिले सहित संपूर्ण राज्य में सूखा दिवस घोषित किया गया है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले में 19 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक सूखा दिवस रहेगा। हमने कॉम्बिनेशन यूज किया है, माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफर, सीएपीएफ और वेबकास्टिंग, इसके माध्यम से, और जगह जगह अपने स्टेट आर्म फोर्स और सेंट्रल आर्म फोर्स भी है, और प्रत्येक बूथ पे जाप्ता भी लगा है, एक एक जाप्ता, और एडिशनल फोर्स भी लगा है।